मैंने गाड़ी में से निकाल लिया, बिकॉज ये जो चीज़ है ना, मैं सोचता था पहले नई गाड़ी में लगाऊंगा, लेकिन यार मैं ना इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता इस चीज़ को, मतलब मेरे को ज़्यादा धुम धुम वगैरह इतनी ज़्यादा वाली नहीं पसंद, लेकिन थोड़ी बहुत पसंद है। पहले मैं तो इसको फ्रेम में लेके करूँगा, लेकिन ये मम्मी नाश्ता ले आई। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज सागर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी तक मैं अपना नाम में जो सागर है वो गलत ही ले रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। और पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि पंखा बंद है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत। तो किसका वेट कर रही है यहाँ पे खड़ी होकर? अच्छा, जब से मैंने ये रिवील किया है कि मैंने अपनी कार बेच दी और मैं न्यू कार लेने वाला हूँ, तब से मेरे पास इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि भाई ये गाड़ी परचेज कर लो, भाई ये गाड़ी परचेज कर लो। मतलब मज़ा ही आ गया भाई, इतना ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे सजेशन दिए हैं, मैं ज़रूर गौर करूँगा उन चीज़ों पर और देखना चाहूँगा कि और क्या बेस्ट आ सकता है। मैं जो चीज़ चाहता हूँ ना, उसके भी आप में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अपनी कार में चाहिए, तो उस हिसाब से मेरे पास एक दो गाड़ी हैं जो मेरे को समझ में आ रही हैं, उनकी टेस्ट ड्राइव, और उसके बाद मतलब थोड़ा वो देखता हूँ क्या होता है, और देखते हैं अब तो धीरे 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 सब चीज़ पता चलेगा। मतलब ये रोज़ रोज नकली वाला मेकअप करके हाँ वीडियो बनाना जरूरी है? तो दिखा, मेरे को वायरल मत कर दी पागल। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो ओहो, भाई देखो नीति का ये यूजुअली बैकग्राउंड आता है, इसमें ये टीवी नहीं आता ना, ये वॉल आती तो बीच में बना लेती है, या फिर वहाँ अंदर बनाती है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी सनलाइट आती है। अरे हाँ यार, रिंग लाइट ख़राब हो गया, आई थिंक इसकी वायर में कोई इशू हो गया, इसको मेरे को ठीक कराना था, फिर मैंने सोचा कि इसकी तो वायर ही टूट पड़ी है। अच्छा, वायर ही टूट गई? ओहो, तो मैं सोचता था यार ये क्या करना, न्यू लेंगे, अरे इससे बड़ी लेते हैं, ख़त्म करते कहानी, बार बार रिंग लाइट पंटा ही ख़त्म करना है। देखो यहाँ पे इतनी अच्छी सनलाइट आती है कि हमें मतलब जरूरत नहीं पड़ती किसी लाइट वगैरह की, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरे घर के नीचे जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर आता है। बस एक चीज़ छोटी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सनलाइट की बात करें और बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस बैकग्राउंड को यूज़ करने में। तो गाइस अभी का सीन ये है ना कि मैं अपनी गाड़ी के जितनी बेस्ट ऑप्शन हो सके वो देख रहा था। अभी मैं फिलहाल अल्ट्रोज वगैरह देख रहा था, इससे पहले मैंने बलिनो देखी, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं मेरे पास, लेकिन दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा भी डिसाइड करने में टाइम लगेगा, लेकिन कोई इशू नहीं है, मैं ज़्यादा घाई नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए, आराम से बात करेंगे। अरे घाई जो वर्ड है ना, ये मतलब मुंबई की मैं ज़्यादातर ब्लॉग्स वगैरह देखो तो वहाँ पर घाई घाई ज़्यादा बोलते हैं, तो ये इसमें आ गया। और हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना मतलब व्हाट्सअप स्टेटस लगाया था, जो मेरी हमने लास्ट वाले ब्लॉग का जो थंबनेल था मैंने वो अपने स्टेटस पर लगा लिया था, विच वन टू बाय इग्निस बलिनो सिग्मा। तो इन दोनों पे मुझे 100% जो मतलब जितने भी लोग थे सब लोगों ने मुझे बलिनो के लिए ही फोर्स किया कि बलिनो ज़्यादा अच्छी रहेगी। देखते हैं अभी फिलहाल में है ना, जब मेरा बजट इतना बड़ा तो फिर मैंने इसके बलिनो कॉम्पिटिटर देखे, तो मेरे को ये अल्ट्रोज लग रहा है कि हाँ इसको अच्छे खासे टक्कर दे सकती है टाटा पंच, लेकिन टाटा पंच जो है मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा, रीज़न बींग कि क्योंकि वो जो कार है वो थोड़ा सा मेरी नीड्स को फॉलो नहीं करती, क्योंकि उसमें स्पेस थोड़ा कम है पीछे वाले रॉ में, वो मतलब फोर सीटर ही कहलाई जाएगी। मुझे मतलब ऐसी गाड़ी चाहिए एटलीस्ट वो फाइव सीटर तो हो, मतलब पांच लोग आराम से बैठ जाएं, इतना इतना तो हो। और ये जो अल्ट्रोज है ये अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर, लेकिन अपने सेगमेंट में फ़िलहाल तो बलिनो ही मेरे को समझ में आ रही है, क्योंकि बलिनो में ज़्यादा स्पेस है। और हाँ, अगर इससे ज़्यादा अगर मेरा बजट बढ़ता है तो फिर एक दिमाग में है फाइनल कार, फिर तो मैं वही उठाऊँगा। और यहाँ पर हमारे गुल्लू बैठा हुआ है। गुल्लू, ओए देखो, ओए इधर देख ले, डुगडुगी हाँ बोली तो सही कुछ हाँ। ये देखो चाचू, सबसे पहले बोलेगी चाचू ये है ना, है ना, है ना, है ना? यार ये झाक से निकाल दिए बेटा, अभी होली गई, दिवाली के टाइम है अब। जस्ट अभी जिम से आया, और आते ही पता है मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब आप जिम के लिए जाते हो ना सुबह सुबह उठ के, तो आपकी एनर्जी बिल्कुल लो होती है, बिल्कुल लो, मतलब मन भी नहीं करता जाने का, लेकिन जब जिम से निकलते हो ना तो आप तगड़ा इंसान कोई नहीं होता, आप फिर चौड़े में चल रहे होते हो कि भाई हमसे ज़्यादा तगड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, दूसरा आर्नोल्ड मैं ही हूँ। लेकिन जब आपने घर आके आप शीशे की तरफ देखते हो ना, तो वहाँ पर लगता है कि जो रोड पर चिंटू घूमता रहता है ना सूखा सा, ऐसा लगता है ताकत उसके बराबर है और पावर है सुल्लड़ के बराबर, मतलब
समझ सकते हो, बड़ा ही बुरा हाल है, बहुत बुरा है भाई। हमारे घर में ना ये वाला रूम तो सिर्फ शूट के लिए काम आता है, यहाँ पे ये सब चीज़ पड़ी रहती है। ये मिरर, वो भैया कितना गंदा हो रहा नहीं थी, ये तो मैंने अब देखा, इसमें गंदा लग रहा है। ये शीशा ही ऐसा है भाई, ये रूम ना हमेशा तुम्हें फैला मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे शूट चलता रहता है नीति का, नीति यहाँ पे शूट करती है या फिर वहाँ बाहर करती है, लेकिन मोस्टली नीति यहाँ करती है। रही मेरी बात, मैं तो कहीं भी कर लेता। अभी का सीन कुछ ऐसा है गाइस कि हम लोग गए थे शोरूम, चलो आपको ये बता देते हैं कि गाड़ी जो है अभी हमारी बुक नहीं हुई है तो हम उसी चक्कर में घूम रहे थे। अभी का सीन ऐसा है कि सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और ना काफ़ी सारी जगहों पे ना थोड़ा सा सिचुएशन भी अलग चल रही है ना अब, तो मतलब ये है कि कन्फ्यूज़न बहुत छोटी सी रह गई है कि चीज़ लेनी है लेकिन लेनी कहाँ से है। मेन इशू तो ये होता है ना, वेटिंग, कौन वेट करे भाई। हाँ वेट, यार वेटिंग बहुत लंबी है गाड़ियों की, तो जो चाहिए हमें तो हम पैसा दे फिर उसमें वेटिंग करें। हाँ वेटिंग लंबी यार, मतलब मेन चीज़ अगर वेटिंग ना हो तो फिर इशू ना होता ना, तो ऑप्शंस होते हैं फिर आगे से, जो मर्जी पैसे दे ले लो। हाँ। वेटिंग है तो यार मूड खराब हो जाता है वो। एग्जैक्टली वही पॉइंट है, बस घूम रहे हैं और सोच रहे हैं करना क्या है, क्योंकि जो चीज़ चाहिए उसमें वेटिंग है और जो चीज़ नहीं चाहिए वो कह रहे कि अभी ले जाओ। तो तीन तीन गाड़ी है। हाँ तीन तीन चार्जर कह रहे ले जाओ सर ले जाओ, बिल्कुल फ्री फ्री तो नहीं, मतलब आप आज बोलोगे दो या तीन दिन में गाड़ी आपकी। तो गाइस फाइनली अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सीन ये है कि हम लोग घूम रहे हैं थोड़ा तो स्कूटी पे। हाँ मैं केसी नेटसन बनने की कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम पे, वो चलाता है स्केटबोर्ड और मैं चला रहा हूँ स्कूटी, वो भी ऐसे जीवन फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अच्छा है लेकिन रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर ध्यान हमें रोड पर रहेगा, आप लोगों के साथ थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ठीक है मज़ेदार चीज़ है। और डर ये भी लग रहा है कि कोई एकदम छीन के ना भग जाए फोन, उसी तो भगेगा वो गायब है फिर नहीं रुकेगा यहाँ पे। लेते हैं थोड़ा सा इन्जॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, दिन भर घर में बैठना ना तो कुछ समझ में नहीं आया, व्लॉग भी मतलब घर पे बनाया जो मैंने बनाया, तो अभी फिलहाल घर चलते हैं, वहाँ पे आपसे एक छोटी सी बात करते हैं जो ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो मेरा व्लॉग है वो सब कुछ इर्द गिर्द घूम रहा है मेरी कार की, क्योंकि मैं इस टाइम पे कार लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस वजह से ना काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को छुपानी भी पड़ रही है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि डिलीवरी के टाइम ही आप लोगों को बताऊँ, लेकिन इन बिटवीन अगर मैं बता भी सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि मेरा कॉन्टेंट उस चक्कर में थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है या फिर मेरे व्लॉग्स लेट आ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली रिवील कर दूंगा टाइम से पहले, लेकिन ऐसी दुआ मत करना कि टाइम से पहले, क्योंकि जो एक्साइटमेंट डिलीवरी के टाइम पे आएगी ना आप लोगों को कि एकदम से सरप्राइज जो आपने सोचा नहीं था वो हो गया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस वजह से ही मैं ये सब प्लान कर रहा था, देखते हैं एग्जीक्यूट होता है तो बल्ले बल्ले, नहीं दही बल्ले। और हाँ एक ट्रैवल प्लान ही बन रहा है, बन गया तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी और एक्सट्रीम राइड होने, राइड नहीं ड्राइव कह सकते हैं, होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, और हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बाय बाय।